अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जैसा आप सब लोग जानते थे कि मैं आज रिज़ल्ट लेने जाऊंगी, तो मेरी खुशी से आप लोग को पता चल रहा होगा कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आया है। और घर पे मैं इतना ज़ोर ज़ोर से इसलिए बोल सकती हूँ कि सुबह है, इब्राहिम दूसरे कमरे में सो रहा है, हनीम भी सो रही है, मम्मा और यशफा और वो ईमान, यशफा का रिज़ल्ट चेंज कराने का है क्योंकि इनके रिज़ल्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है। खैर मैं क्या करूँ, अब जब आएंगे तब देखते हैं हम। उसके बाद हाँ, आपको अपनी ट्रॉफी दिखाते हैं। चलें, आप लोग क्या बताएं, अब आपको क्या लगता है मैं क्या आई हूँगी। सो मैं आई हूँ, मैं स्कूल गई हूँ, मैंने देखा बाहर बोर्ड पे लगी हुई है चीज़ें, तो फिर मैंने बोला कि मैं क्या आई हूँगी। और अब टाइम है ट्रॉफी दिखाने का, मैं थर्ड आई हूँ और मैं इतनी खुश हूँ। मैंने बोला मुझसे तो भाई इफ्तार तक का इंतज़ार ही नहीं हो रहा, मतलब अभी सोना भी है, फिर उठना भी है, फिर आप लोगों को फिर वीडियो में दिखाना है। तो मैंने बोला यार अभी दिखा देती हूँ, क्या करूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और फिर मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मतलब मुझे तो खुशी हो रही थी। लेकिन क्या है, मेरी परसेंटेज जो है 96 है, बाकी मेरी क्लास में और भी बच्चियाँ हैं जो वो फर्स्ट वगैरह आ रही हैं, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि जो सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था उसमें मेरे पूरे आए 100 out of 100। एंड मेरा सर्टिफिकेट जो मुझे मिला है जिस चीज़ का, वो है एक्सलेंट परफॉर्मेंस का। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा रिजल्ट, उल्टा से दिख रहा होगा इसमें, बट मैं थर्ड आई हूँ और मुझे बहुत बेहद खुशी है। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब ईमान आएगी उसका भी रिज़ल्ट दिखाएंगे और यशफा आएगी तब उसका भी रिज़ल्ट दिखाएंगे। बस ये हो जाती है रिज़ल्ट में थोड़ी ऊँच नीच तो हो ही जाती है, कोई बात नहीं, मसला नहीं है, सही है। तो अभी हमारे जो है यूनिफॉर्म भी चेंज हो जाएगा। और मैंने आकर तो यूनिफॉर्म को क्या पटका है ना, मुझे इस यूनिफॉर्म में बेहद बहुत ज़्यादा ऊँच नीच होती थी कि बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, बड़ा हो गया। और अब हम इसको छुपके से मम्मा के कमरे में रखने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले पापा की भी वीडियो कॉल आई थी, तो उसमें हमने पापा को दिखाया था, तो अभी मैं चुप रहूँगी, उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकती। इब्राहिम है, तो इब्राहिम